दोस्तों आज है 2 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं गुलदावरी की कटिंग। कटिंग कैसे लगाई जाती है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं दोस्तों क्रैसेंथमम और हिंदी में चंद्रमल्लिका और भी कई नाम से जानते हैं इसे। उर्दू में इसका नाम बहुत फेमस हुआ है गुलदावरी, यानी कि गुलदावरी कहते हैं लेकिन नाम हो गया उसका गुलदावरी। तो दोस्तों आज जैसे मैंने बताया अगस्त की 2 तारीख है और नर्सरी पर अधिकांश अगस्त में या जुलाई के महीने में इसकी कटिंग लगा दिया करते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगस्त के महीने में जिन आपके पास पुराने प्लांट पड़े हैं तो इनकी कटिंग कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद दोस्तों जिसमें लगाना है वो सबसे अच्छा रिजल्ट आता है सैंड में, यानी कि रिवर सैंड हो, कोई भी सैंड हो, रेता, उसमें आपका रिजल्ट दोस्तों 100% सफलता मिलती है। इसलिए आप कटिंग जब अगर लगा रहे हो पहली बार तो रिवर सैंड का प्रयोग करें। अब बात आती है दोस्तों कटिंग लगाने से पहले हम ये जो आप देख रहे हो रूटिंग पाउडर, अधिकांश नर्सरी वाले जो है रूटिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें रूटिंग जल्दी हो सके और वो पौधा जल्दी ग्रो कर सके और सेल हो सके। तो दोस्तों अगर आपके पास रूटिंग पाउडर नहीं है तो उसके लिए आप एलोवेरा जेल या फिर दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये सेम वैसे ही काम करते हैं जैसे रूटिंग पाउडर काम करता है। तो लगाने का तरीका है दोस्तों, जब भी हमारी जो कटिंग है 4 से 6 इंच की कटिंग लेनी है कम से कम, और इसके काटने के बाद उसमें नीचे के जो लीफ्स हैं वो हटा दें, यानी कि ऊपर वाली लीफ 2-4 रहने दें, नीचे के पत्ते आप सारे हटा दें। हटाने के बाद इसे डीप करना एलोवेरा जेल में या फिर दालचीनी पाउडर में, दोनों के मिक्स भी कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ रूटिंग पाउडर है, इसमें हम डीप करके और फिर स्टिक की मदद से उसमें होल करना है। होल करने के बाद दोस्तों अपना पौध जो है हम लगा देंगे और साइड की मिट्टी प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद दोस्तों इसमें हल्का से हल्का पानी देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना, और ऐसी जगह रखना है जहाँ आपके ऑलरेडी पहले से प्लांट रखे हुए हैं, यानी कि शेडेड एरिया में। तो दोस्तों हज़ारों पौधे हमने लगा चुके हैं, दूसरे हमने ज़मीन में भी कुछ दिन पहले यानी कि जुलाई के महीने में हमने कटिंग लगा चुके थे। ध्यान रखें मैंने जैसे बताया आपको दोस्तों कि नर्सरी वाले जुलाई के महीने में लगा देते हैं ताकि उन्हें सेल कर सके। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, इन्हें 15 दिन हो चुके हैं, रूटिंग पाउडर का इस्तेमाल किया था, ये देख सकते हो दोस्तों ये रिजल्ट है रूटिंग पाउडर का, काम वो भी करेगा। रूटिंग पाउडर की जगह अगर आप एलोवेरा जेल या दालचीनी का पाउडर का इस्तेमाल करते हो तो काम सेम करेगा। अब बात आती है दोस्तों ये बड़े पॉलीथीन बैग है जो ज़मीन से अभी मैंने दिखाया वहाँ से निकाल कर उसमें लगा दिया करते हैं। यहाँ जिस मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं वो 50% गोबर खाद और 50% नॉर्मल मिट्टी है। देख सकते हो दोस्तों रूटिंग कितनी बढ़िया हुई है। तो दोस्तों जब आपका पौधा रेडी हो जाए तो उसे दूसरे गमले में शिफ्ट कर दें। गोबर खाद का इस्तेमाल जरूर करें या वर्मी कंपोस्ट का। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।